नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सभी के लिए, खासकर महिलाओं की अगर हम बात करें, तो उनके लिए प्यूबिक हेयर को हटाना कितना गलत हो सकता है। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तन्वी राज। दर्शकों, आपको बता दूँ कि स्त्री रोग विशेषज्ञ है और साथ ही ये है जो मेडिवर्सल में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। अब मैम, बहुत से हमारे व्यूवर्स का ये सवाल है कि प्यूबिक हेयर हटाना क्या गलत हो सकता है। सो प्यूबिक हेयर एज सच अगर आप देखें तो शरीर में किसी कारणवश है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली है, वहाँ पे उसका कोई रोल है। रोल क्या है कि वो हमें कई तरह के इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। वो दैट इज़ लाइक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, आप समझिए। सबसे पहले वो जो भी गंदगी आ रही है उसको वहीं पे रोक देता है ताकि वो अंदर वजाइना तक ना जाए। सो बट कई बार अगर ज़्यादा घने ज़्यादा बाल हैं या ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो आप उसको ट्रिम कर सकते हैं। बट पूरी तरह से हटाना इज़ नॉट रिकमेंडेड। उसको पूरी तरह से रेज़र यूज़ करना या हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ करना शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि वो आपको इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं आप उससे। और बहुत से लोग हैं जो प्यूबिक हेयर को हटाने के लिए अलग अलग केमिकल का यूज़ करते हैं, लोशन का यूज़ करते हैं, तो ये कितना गलत हो सकता है? इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कई लोगों का एलर्जिक रिएक्शन होता है, जो क्रीम्स वगैरह लोशन ये सब यूज़ करते हैं उनसे कई तरह के एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, बाल का इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पर वजाइनल इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा हो जाता है। सो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सो उसको अवॉइड करना है। यू कैन यूज़ अ क्लिपर या सीजर से आप उसको ट्रिम कर सकते हैं। मतलब कि ये सारे केमिकल यूज करना कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल 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 हानिकारक हो सकता है। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम लोग को अपने प्राइवेट पार्ट्स को या फिर गुप्तांग को साफ रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल, हमें प्राइवेट पार्ट की हाइजीन मेंटेन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कई बीमारियों का कारण हो सकती है। सो बट इस केस में ओवर क्लीनिंग भी नहीं एडवाइज्ड होती है। सो बेसिकली आप जैसे नहाते हैं रोज, पूरे शरीर पे साबुन लगाते हैं, वैसे ही जो आपका वल्वा है या प्राइवेट पार्ट का स्किन है उस पर आप नॉर्मल सोप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं डेली नहाने के लिए, वो सेम साबुन आप यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको वजाइना के अंदर कुछ नहीं डालना है, आपको डेटॉल बीटाडीन ये सबसे किसी चीज़ से डूशिंग नहीं करनी है, उसको वजाइना के अंदर कोई केमिकल नहीं डालना है। बट कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि नहीं, हमें उधर क्लीन ही नहीं करना है क्योंकि बैक्टीरिया खराब हो जाए। नहीं, जैसे स्किन आपके हाथ का स्किन है, पैर का स्किन है, वहाँ पे भी स्किन है जिसको साफ रखना बहुत जरूरी है। सो बेसिक जिस तरह आप रोज नहाते हैं उस तरह वहाँ पे भी आपको क्लीन करना है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो आज हमने समझा कि हमें अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखना, हाइजीन रखना कितना जरूरी है, और साथ ही आशा करते हैं दर्शकों की तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।